तो दोस्तों, इजिप्ट कैसा था? हमारा मिशन कामयाब रहा। ये रही पिरामिड्स की एक निशानी। अरे वाह, ये तो सच में वही प्राचीन अवशेष है जो सैटेलाइट इमेज ने लोकेट किया था। इसे रेत से बाहर निकालना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसे मैं कहाँ रखूं डैनी? यहाँ पर? या वहाँ पर? संभल कर प्लीज, हमें इस चीज को पहचानना है और उसकी काबिलियत को जानना है। सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे अपने पिस्टन के लिए ग्रीस चाहिए। हाँ मास्टर, समझ गए। और हाँ, वर्कशॉप में मेरे पास इंडस्ट्रियल ग्रीस है। हाँ सुनो ग्रिमलॉक, क्या तुम उस चीज को नीचे रख दोगे? सॉरी, फिर से। आखिर ये चीज क्या है फिक्सिट? ये एक HEP जनरेटर है, हाई एनर्जी पल्स जनरेटर, जो छोटी और इतनी ऊर्जा बनाता है जिससे ऑटोबॉट के न्यूरल नेट्स को काफी नुकसान पहुंच सकता है। ये तुम्हारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है? ओ, हम पूरी तरह सेफ है जब तक ये जनरेटर एक्टिवेट नहीं हो जाता। ये क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं किया। Transformers Robots in Disguise Season 3, title Mighty Big Trouble. मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। Slipstream, Jetstorm, छुप जाओ। जनरेटर को बचाने के लिए हमने बहुत मेहनत की थी। लगता है तुम्हें अपने दिमाग से प्यार नहीं है। सवाल ये है कि एक हाई एनर्जी पल्स जनरेटर को बर्बाद करने के लिए कितने मिनिकॉन्स लगते हैं? जवाब है, एक भी नहीं। हमने सुन लिया। ये हमारा अपमान है। तुम आखिर कब तक हम तीनों का इस तरह मजाक उड़ाते रहोगे? ओ, तुम लोग तीनों जब गुस्सा होते तो कितने प्यारे लगते हो। अपना मुंह संभाल कर खोला करो, नहीं तो कभी मुंह की खाओगे। बस भी करो फिक्सिट, मैं तो बस तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था और कुछ नहीं। थोड़ा सा चिढ़ाना चलता है, पर उन्होंने तुमसे रुकने को कहा और तुम माने नहीं। हाँ, इस बार न सिर्फ तुमने हद पार कर दी, तुमने एक बहुत बड़े विस्फोटक से उसे फोड़ा और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह से बंजर और काला बना दिया। मुझे लगता है तुम्हें मिनिकॉन से माफी मांगनी चाहिए साइडस्वाइप। लगता है मिनी बॉट्स का मजाक से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। यहाँ पर बचाने के लिए है ही क्या है? बस ये तय कर लेना कि वो बिना स्क्रू की गई ऑटोमेटिक वेसल है जिसका हम पीछा कर रहे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद इंजन खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। हमें ये भी नहीं पता क्या ढूंढ रहे हैं। वो जो भी हो, अभी तक हमें मिली किसी भी चीज से कहीं ताकतवर है। अगर तुम चाहते हो कि मैं गहराई में जाऊं तो उसके लिए मुझे ज्यादा पावर की जरूरत होगी। मैं मदद करूंगा तुम्हारी, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं। मैं तैयार हूँ। आओ चलो हम आगे बढ़ते हैं। मैं भी साथ आ रहा हूँ ताकि तुम हमारे खजाने के साथ कहीं भाग ना जाओ। एरोबॉट, मुझे पावर अप करो। क्या हुआ, मुझे कमजोर समझ रहे हो? कहीं भूल तो नहीं गए कि तुम सब मेरे क्रू का हिस्सा हो, यानी तुम मेरे लिए काम करते हो। तुम क्या चाहते हो, मैं उसे बेच दूं जिससे तुम भाग रहे हो? अच्छा हुआ तुम मेरी बात समझ गए। इंजन रुक गए हैं, यानी हम उस पते पर पहुंच गए। हमारे क्रू पर नजर रखो, मुझे बगावत पसंद नहीं। कूदो और खोदना शुरू करो। हम जितनी देर इस ग्रह पर रुकेंगे हम पर खतरा उतना ही ज्यादा होगा। हम चाल कब चलेंगे? सही वक्त आने पर।
फिक्स इट, लॉन्ग रेंज स्कैनर पर तुम्हें ऑप्टिमस प्राइम पृथ्वी की तरफ आता हुआ दिख रहा है? नहीं सर, पर मुझे यकीन है वो आता होगा। उम्मीद तो है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इन मिनिकॉन्स के साथ कुछ न कुछ बड़ा हो रहा है। लेफ्टिनेंट, इन मिनिकॉन्स के बारे में मैं सोच रही थी कि स्ट्रॉन्ग आर्म सोच रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तुमने एक दिन के लिए काफी दुश्मन नहीं बना लिए हैं? वो हम सब भूल चुके हैं, सही कहा ना फिक्स इट? तुमने कभी माफी नहीं मांगी। मुझे माफ कर दो, या जो भी कहते हैं, ठीक है। क्या फिक्स इट मुझे हमेशा इसी तरह इग्नोर करता रहेगा? नहीं, अगर अच्छे से माफी मांगोगे तो नहीं, वो भी पूरे दिल से। वो वापस आ रहे हैं, शायद उन्हें मदद चाहिए। पता नहीं कि ये क्या है, लेकिन लगता है कि खजाना मेरे हाथ लग गया। ये मेरा है, समझे? मेरा। नहीं, ये मेरा है। करीब से देखना चाहोगे? मैं तुम्हें खुशी खुशी देखने दूंगा। धोखेबाज है सबके सब। मेरे सामने गिड़गिड़ाने के लिए बहुत वक्त होगा तुम्हारे पास। अब बताओ कहाँ है वो मेरे मिनिकॉन्स? स्टारस्क्रीन, मिनिकॉन्स तुमसे भाग रहे थे? तुम जानना चाहते हो वो कहाँ है? चलो डील कर लेते हैं। तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। डार्क स्टार सेबा, क्या कहा? इसे मेगाट्रॉन ने ताकतवर बनाया था। कितनी अच्छी बात है, मिनिकॉन्स की मदद से मैं अपने मालिक से बदला ले सकूंगा। पर इसके साथ तो मैं सारे गैलेक्सीज पर कब्जा कर लूंगा। एक बार इसे चेक करता हूँ। पर अभी के लिए इतना काफी है। सेबर मेरा विरोध कर रही है, और तुम भी क्लॉ ट्रैप, तुम डील करना चाहते हो। मुझे बताओ कि मिनिकॉन्स कहाँ मिलेंगे, वरना मैं तुम्हें समुद्र में ऐसी जगह फेंकूंगा कि तुम्हें कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। तुमने बहुत देर कर दी, उन धोखेबाजों ने जहाज को छोड़ दिया है। मिनिकॉन्स को भूल जाओ, इस तरह की तलवार के साथ तुम्हें बहुत ताकत मिल जाएगी। बस हमारी कीमत अदा करो और जिस पर चाहे राज करो। इतनी जल्दी नहीं, मुझे अब भी तुम्हारी जरूरत है। और ताकत कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, जब हासिल करने के लिए और ताकत बची हो। रफेज, मेरे जहाज को ऑर्बिट से नीचे लाओ और सारी मशीनें सेटअप करो। मिनिकॉन्स के एनर्जी सिग्नेचर स्कैन करो। भाग कर जाएंगे कहाँ? Dudes, so sorry, पर मैं ऐसा फिर से नहीं करूँगा। hey, मुझे माफ करो, पर वो सच में मजेदार था। साइड स्वाइप, ये क्या कर रहे हो? बम्बलबी ने कहा कि फिक्स इट, जेटस्टॉर्म और स्लिप स्ट्रीम से माफी मांगो, और मैंने मांगी, पर उन्हें मेरी माफी पसंद नहीं आई और कहा कि तुम्हें ठीक से माफी मांगनी चाहिए। मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें किसी ने फूल और कविता देकर माफी मांगी थी। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लगता है कि मिनिकॉन डिसेप्टिकॉन्स का साथ नहीं देना चाहते थे। मिनिकॉन ने मुझ पर काबू किया था, तब मुझे भी ऐसा ही लगा था। जब मेरा शरीर बेकाबू हुआ, उसके पहले मैंने बहुत ताकत भी महसूस की थी। मिनिकॉन और उसका होस्ट दोनों एक दूसरे का फायदा लेते हैं। होस्ट में ताकत है, पर हमें ये नहीं पता कि उसमें ये ताकत आई कहाँ से या किन हालात में आई। वो ताकतवर था, पर उसने भी ये महसूस किया कि उसकी ताकत अधूरी है, मानो उसे पूरी ताकत ना मिली हो। इसकी कई वजह हो सकती है लेफ्टिनेंट, किसे पता कि मिनिकॉन का असली मकसद क्या है। Thank you.
साइबरट्रॉन इन टेक्नोलॉजी को ढूंढो जो सेंसर्स ने डिटेक्ट किए हैं। वो करके हम जल्दी से अपने जहाज में बदलाव लाते हैं। हमें जल्दी से जल्दी इस ग्रह को छोड़ देना चाहिए। मैं स्कैवेंजर्स पर नजर रखता हूँ। मुझे लगा साइडस्वैप हमारा दोस्त है, शायद इसलिए उसने हमें टीम में शामिल किया था। बिना मैनर्स वाले बॉट से और क्या उम्मीद कर सकते हो? हमें मास्टर को बताना चाहिए। हम एक घुसपैठिए से तो निपट ही सकते हैं। साइडस्वाइप इतनी अच्छी तरह से जीत सकता है कभी? तुम शायद अभी जीतने के बारे में कुछ कह रहे थे ना? ऑटोबॉट्स होते हैं अच्छे और डिसेप्टिकॉन्स होते हैं खराब। माफ कर देना मुझे दोस्तों, मैंने आपको दिलाया था बहुत गुस्सा। माफ करना, मुझे खराब से बुरा कोई शब्द मिला ही नहीं। क्या साइडस्वाइप के दिमाग की केसिंग में चोट आई है? इस इलाके में बहुत सारे घुसपैठी आ गए हैं। डेनी, रसल, छिप जाओ। टीम, चलो हो जाए। तुम्हारे हाथों में मत आने देना, वो इसी तरह तुम पर काबू करते हैं। वाओ, ये तो काफी कमाल के मिनीज हैं। मैं तुम्हें जानता हूँ। आखिर तुम किसके पीछे हो और क्या वो स्कैवेंजर्स तुम्हारे साथ हैं? फिर से नहीं, संभल कर ग्रैम। तुम मुझ पर कैसे काबू कर सकते हो? कि मैं तुम पर काबू नहीं कर पाया, शायद इसलिए कि हम दोनों ही डायनोज हैं। एक बात सुनो बैच ब्रेकर, ये बड़ा डायनो हमारा दुश्मन नहीं लगता। बम्बलबी, स्टेटस रिपोर्ट। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो कुछ कहिए। आह,
यहाँ हो? मैं बस ये बताने आया हूँ कि अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं अल्फा सेंटोरी पर छुट्टी मनाने जा रहा हूँ। ट्राई फॉर अ शॉट, रुको प्लीज। हम उस हाई एनर्जी पल्स जनरेटर के लिए आए थे जो हमने डिटेक्ट किया था। तुम्हें वो चाहिए? पर वो तो बर्बाद हो चुका है। तो फिर हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। ऑटोबॉट्स पीछा करो। स्टूडेंट्स फिक्सेड के साथ रहो, हो सकता है दुश्मन लौट कर आए। मुझे लगता है हमें कमांड सेंटर लौट जाना चाहिए इससे पहले कि कुछ ऐसा हो जाए। मेनिकॉन्स, हमें इन्हीं की तो तलाश थी। कीमत अदा करने का वक्त आ गया है। वैसे सोचा जाए तो हमें मिनीस की नई पीढ़ी का सामना करने का अच्छा मौका मिला है। फिक्स इट, लगता है वो खो गए हैं। तुम्हें दुश्मन के सिग्नल मिल रहे हैं? फिक्स इट, तुम सुन रहे हो ना? वापस बेस चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? स्टारस्क्रीन, तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन मेरे डेटाबेस में मौजूद तस्वीरों से मेल नहीं खाता। आजकल क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो? जैसा कि आपने कहा था स्टारस्क्रीन। मुझे बताओ तुमने उन्हें कहाँ पकड़ा शेडलॉक? लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में। तुम गलत मिनिकॉन्स को ले आए। पर हमने इनके एनर्जी सिग्नेचर्स की पहचान की थी। मुझे ये गड़बड़ी समझ में आ गई है। बात ये है कि दूसरे मिनिकॉन्स डेनी क्ले के कचरे के ढेर से कुछ देर पहले ही निकले। डेनी क्ले, क्या वो तुम्हारा सुपीरियर ऑफिसर है? ओ नहीं, वो तो लेफ्टिनेंट बम्बल 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 यहाँ है। बम्बल भी है। ओह नो, हालात और बेहतर होते जा रहे हैं। फिक्स इट, स्लिप स्ट्रीम, जेट स्टॉर्म। वो चले गए तीनों के तीनों। डिसेप्टिकॉन्स उन्हें ले गए भी, तुम्हारे जाने के बाद वो ग्राउंड ब्रिज से आए थे। इसका मतलब मिनिकॉन्स कहीं भी हो सकते हैं। मुझे उनसे माफी मांगने का मौका ही नहीं मिला। वाकई मैंने माफी मांगने के लिए प्लानिंग की थी। तुम्हें मौका मिल जाएगा। हेलो बम्बलबी, मुझसे मिलकर खुशी हुई है ना? स्टारस्क्रीम, पर हमें लगा था कि तुम। हाँ, तुम्हें लगा होगा तुम्हारे मिनिकॉन्स मेरे साथ हैं और वो काम कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें छोड़ दो, नहीं तो मैं। क्या चाहिए तुम्हें? तुम अपने हथियार डाल दो और आत्मसमर्पण कर दो, वरना तुम्हारे मिनिकॉन्स की खैर नहीं। बम्बलबी, ये क्या कर रहे हो? लेफ्टिनेंट नहीं, मैं मिनिकॉन्स को कुछ नहीं होने दूंगा। ओ, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारे जाने के बाद वो तुम्हारा गुणगान करेंगे। बम्बलबी, अब आ जाओ। ये किस्सा खत्म नहीं हुआ है। फिक्स इट, बम्बलबी को ट्रैक करो। नहीं, ओह नो। अगर मेरे स्टूडेंट्स और फिक्स इट को कुछ हुआ तो गैलेक्सी में ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहां स्टारस्क्रीम मुझसे बच पाएगा। पर मैं ऐसा होने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं उनके पीछे जा रहा हूं। रुको, हमारा सामना किसी आम कौन से नहीं हो रहा, वो स्टारस्क्रीम है। हम चारों के पास इतने हथियार या काबिलियत नहीं है जो। अब क्या हुआ,
आसमान से कोई आ रहा है। शायद स्टारस्क्रीम है जो काम खत्म करने आ रहा है। सावधान हो जाओ टीम। मुझे लगता है हमें काफी सारे हथियार मिल गए। करण एज बम्बलबी एंड स्लिपस्ट्रीम, आरुषि एज स्ट्रॉंगआर्म, कृतार्थ एज साइडस्वाइप, जेट स्टॉर्म, थर्मिडोर एंड सॉटूथ, आदित्य एज ग्रिमलॉक एंड ड्रिफ्ट, सुमित एज फिक्सिंग, घनश्याम एज डेनी, क्लॉट्रैप, ट्राइसेरा शॉट, स्टारस्क्रीम, अमित एज रसल एंड बैश ब्रेकर, राकेश एज पैरालॉग, स्कैटर स्पाइक, शेडलॉक, पुष्कर एज बस स्ट्राइक एंड एरोबोल्ट, राइटर सुप्रिया नागर गुप्ते, साउंड इंजीनियर केतन जाधव, डबिंग सुपरवाइजर राजीव सिन्हा।